हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई कहानी की तरफ। गोपाल चरवाहा की सच्ची घटना। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। ना वह पढ़ा लिखा था और ना उसने कोई कथा सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाक पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा, सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी। सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इसी प्रकार उसकी उम्र 50 वर्ष की हो गई। बराबर वाले उसे चिढ़ाया करते थे, राम राम रटने से वैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं अनेका। एक दिन गोपाल को उसके साथी चिढ़ा रहे थे। उसी रास्ते से एक संत जा रहे थे। उन्होंने चिढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। यह बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरुजी को मैं झट संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा, उन्हें ताजा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरुजी बड़े भारी ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी झंझट नहीं होगी। गोपाल की उत्कंठा तीव्र थी। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़कर देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के न आने से रोने लगता। अपने अनदेखे अनजाने गुरु को जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से आते एक संत को देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए उन्हें ताजा दूध पिलाने के लिए। झटपट वह गाय दोहने लगा। इतने में वे संत पास आ गए। दोहना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे हाथ में अपनी लाठी लिए वह खड़ा हो गया और बोला, महाराज तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो, मुझे भवसागर से पार कर दो। महाराज अब मैं तुम्हारे चरणों को नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वह संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। संत एक बार तो यह सब देखकर चकित हो गए, फिर गोपाल के सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला,
महाराज, मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है। स्नान पूजा तो मैं जानता नहीं, घर भी कभी कभी जाता हूँ। मैं गवार हूँ, मुझसे बहुत बातें सधेंगी भी नहीं, मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा। बतला दे, और अभी यही बतला दे, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रिझ जाते हैं। संत ने मानसिक भारत शुद्धि आदि करके अपने कमल कुंडल से जल उस पर छांट मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब से तुम्हें जो खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, पर गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे कि मैं उन्हें रोज भोग लगाकर तब भोजन करूंगा। संत ने भगवान के रूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना और उनको भोग लगाना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। यह उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाक देकर चली गई। गोपाल को अब गुरुजी की बात का स्मरण आया। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए हैं कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना है। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तब गोपाल कैसे खा लेता। रोटियां जंगल में उसने फेंक दी और गौशाला लौट आया। गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। इसी प्रकार 18 दिन बीत गए। खड़े होने में चक्कर आने लगा, आंखें गड्ढों में घुस गईं। स्त्री पुत्र घबरा कर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता। वह सोचता है एक दिन मरना तो है ही, गुरु महाराज जी की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव जी की आज्ञा तो सत्य ही है, यहाँ ना सही मरने पर परलोक में मुझे भगवान के दर्शन तो होंगे ही। 9 दिन और बीत गए, आज 27 दिन हो चुके। गोपाल के नेत्र अब सफेद हो गए, वह उठकर बैठ भी नहीं सकता था। आज जब उसकी स्त्री छाक लेकर आई तब जाना ही नहीं चाहती थी गौशाला से। उसे किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से छाक परस कर वह भूमि पर लेट गया। आज बैठा न रह सका, आज अंतिम प्रार्थना करनी है। उसे वह गोपाल जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वह गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। यह क्या हुआ, इतना तेज इतना प्रकाश कहाँ से गौशाला में आ गया? गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरु जी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों में उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने
भक्त को गोद में उठा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत, मैं तेरी रोटियां खाता हूँ, मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा, अब तुझे कोई चिंता नहीं, अपने बंधु बांधवों के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता, अंत में तू मेरे गोलोक धाम आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। गोपाल ने ज्यों ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख प्यास दुर्बलता थकावट क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन उपवास की भूख प्यास तथा दुर्बलता ही नहीं दूर हुई, अनंत काल की दुर्बलता। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी थोड़ी भी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।